और वहीं मुरैना में घरेलू विवाद में चार महिलाओं ने एक विधवा महिला की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसके बाद पीड़ित महिला ने थाने में जाकर केस दर्ज कराया। बताया जा रहा है कि विधवा महिला के पति की एक साल पहले मौत हो गई थी, जिसके बाद सरकार की ओर से दिए गए घर पर दूसरी महिलाओं ने कब्जा कर लिया और इस हमले में और पूरे मामले में पीड़ित महिला ने कोर्ट में जाकर याचिका दायर की, जिसके बाद महिला के घर का मामला अब कोर्ट में चल रहा है। वहीं पीड़ित महिला का कहना है कि अब आए दिन ये सभी महिलाएं उसके साथ मारपीट करती हैं और घर से निकाल देती हैं। फिलहाल पुलिस ने बताया कि मामले को संज्ञान में ले लिया गया है और समाधान करने की कोशिश की जाएगी। तस्वीर आपके सामने है, आप देख सकते हैं किस तरीके से इस महिला को बेरहमी से पीटा जा रहा है। लगातार मामले की जाँच फिलहाल की जा रही है। पूरा मामला मध्य प्रदेश के मुरैना का है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि इस विधवा महिला को किस तरह बाकी की महिलाएं बेरहमी से पीट रही हैं और इसके घर को कब्जा लिया गया है। मेरे घर की रजिस्ट्री को लेके विवाद है, न्यायालय में चल रहा है और उसमें ताले डाल दिए गए थे दोनों तरफ से। घुसने के सारे दरवाजे बंद करके पूरा परिवार बाहर बैठ गया था। मुझे ऊपर जाना था, मेरी दवाई का टाइम हो रहा था। मैंने उनसे कहा आप दरवाज़ा खोल दो, तो वो उन्होंने कहा अपने बाप के घर जाओ। बाद में बहस बढ़ती गई मौके, मैं जब जाने लगी तो पीछे से आके मेरे को इन चार महिलाओं ने मारा, मेरा मोबाइल छीन लिया, मेरे कान के भी गायब हो गए हैं। अब गिरे हैं कि क्या हुआ है मुझे कुछ भी हो।